तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के दोस्तों मैं आप सभी को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के देखते हैं दोस्तों कि आपके कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में से कितने आईएमपी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखना है ताकि दोस्तों आप सभी लोग इन वीडियो को, इसमें जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, आप सब लोग दोस्तों उसका लाभ ले सकते हो। देखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से आप ये समझिएगा कि मैं जो जितने क्वेश्चन बताता हूँ उनमें से दोस्तों 100% क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षाओं में फंसते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखें और दोस्तों कल पेपर हो जाने के बाद में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से कितने आए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो मेरे अनुभव के आधार पर दोस्तों 100% जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ बिल्कुल दोस्तों एक्यूरेट वैसा का वैसा ही पेपर आपका बनकर आता है। तो चलिएगा बिना किसी देरी के दोस्तों देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आप सभी को सारे क्वेश्चन और उनके आंसर भी समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपको दोस्तों आपकी विज्ञान विषय की तैयारी के लिए कितने क्वेश्चन दोस्तों कहाँ कहाँ से आपको याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं आप सभी लोगों के पास में, अभी काफ़ी कम समय बचा है आप दोस्तों, इसलिए ये ज़रूर करें कि आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री हो उसमें से दोस्तों आप इन इन क्वेश्चन का जरूर एक बार रिवीजन कर लें और कल हमें दोस्तों पेपर हो जाने के बाद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यही क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाए हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों हम जो दिखाते हैं बिल्कुल 100% रियल होते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको जो जो क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आप सभी लोग इनको नोट कर लें। और अगर दोस्तों आपका सवाल ये है कि सर आपको हमारे पास में इनके उत्तर नहीं है, तो देखिएगा दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको थोड़ी रात तक आपको इसका उत्तर वाला वीडियो भी मिल जाएगा। आप तब तक के लिए इनको नोट जरूर कर ले, आपके पास में कॉपी हो, पेन हो, कहीं पे भी दोस्तों आप लोग इनको लिख लें या आपके पास में ये पहले से लिखे हुए हैं तो आप दोस्तों इनका रिवीजन बार बार जरूर कर लें। चाहे आपके पास में सेट ए आता हो, बी आता हो, सी आता हो, डी आता हो, कोई सा भी सेट पेपर आता हो दोस्तों, ये बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा क्या लिखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, धोने के सोडा में बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका वैसा का वैसा ही बनकर आएगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर हमारे पास में पढ़ने आते हैं उनको भी दोस्तों मैंने पूरा का पूरा इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बताए हैं जो कि दोस्तों उनको सुबह उनको पेपर में दोस्तों ऐसे कैसे मिलने लगेंगे। तो देखिएगा आप सब भी दोस्तों यहाँ तक का इतना पढ़ लें, अभी तक दोस्तों आपको पार्ट 1, 2 और 3 को ही कम्प्लीट करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको पहुँच जाना है सीधा पार्ट 6 पे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 6 में अगर देखा जाए तो पार्ट 6 में से आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन जो जो दिए गए हैं दोस्तों आपको यहाँ से इनको पढ़ लेना है। देखिएगा यहाँ पर दिए गए हैं ये क्वेश्चन, आप लोग देख लेंगे। वैसे दोस्तों आपका पार्ट 7 भी पूछा जाएगा, पार्ट 7 में से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है, आप सब लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर लें। और इसके अलावा आगे देखते हैं पार्ट 10। तो देखिएगा दोस्तों, पार्ट 10 में से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे और एक ये वाला जो दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों आपको आज ऐसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल आपको सुबह दोस्तों परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके लगभग नहीं 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 22 तक के दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं पूरे के पूरे दोस्तों आपके यहीं से बनाए गए हैं। तो आप सब लोग इसलिए यहाँ से इसको नोट जरूर कर लेंगे। तो अध्याय 10 मैंने आपको बता दिया है, आप इसी के अलावा दोस्तों आगे बारी आती है अध्याय 11 की। तो देखिएगा दोस्तों, अध्याय 11 में से आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो आप सभी लोग दोस्तों इन क्वेश्चन का रिविजन अच्छे से जरूर कर लेंगे, इतने ही पार्ट दोस्तों अभी तक आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों कल पेपर हो जाने के बाद में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ये आपके परीक्षाओं में आए थे या नहीं आए थे।
तो देखिएगा, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं दोस्तों। आप सभी को हमारी तरफ से आपको विज्ञान विषय के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस बार से कामना करते हैं कि आपका पेपर दोस्तों विज्ञान विषय का बहुत अच्छा जाए। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार।